नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने के बाद एक बार फिर से अवैध निर्माण हटाने की तैयारी हो गई है। दिल्ली में एक बार फिर से बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस बार शाहीन बाग की बारी है। एमसीडी ने इस बार शाहीन बाग को चिन्हित किया है। इतना ही नहीं, शाहीन बाग के अलावा दिल्ली के ओखला, तिलक नगर वेस्ट के साथ साथ कई वार्डो को चिन्हित किया गया है, जहां पर महाबली को अवैध निर्माण हटाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के कहने के बाद बीजेपी शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने का इरादा जताया है। 5 दिन पहले एक न्यूज चैनल से बातचीत में आदेश गुप्ता ने कहा था कि वो दक्षिणी दिल्ली को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता की चिट्ठी के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलवा दिया था। अब शाहीन बाग की बारी है। एसजीएमसी मेयर मुकेश सूर्य ने बताया कि विभागों को तारीखें बता दी गई हैं। 1 महीने का प्लान दिया गया है। कहा जा रहा है कि अतिक्रमण के साथ साथ वहां अवैध निर्माण और लूटपाट की घटनाएं भी हो रही हैं। उनमें संदिग्ध रोहिंगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ हो सकता है। ऐसे में नगर निगम का मानना है कि कार्रवाई से न केवल अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सकेगा, बल्कि अपराध में भी कमी आ सकती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।